हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? बड़े सारे डाउट्स आ रहे हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 और हमारा फेवरेट टॉपिक फॉरेक्स का। क्वेश्चन नंबर 62 जो है ना, वो टोटल नोस्ट्रो अकाउंट पर है और इतना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप बैठने जाओगे तो प्लस माइनस ही करना, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 में डायरेक्ट करवाऊं आपसे, पर उसमें ना कुछ ही ट्रांजेक्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 62 तो बन जाएगा, पर अगर क्वेश्चन में कोई और ट्रांजेक्शन दे दिया तो वो आपसे नहीं बनेगा। तो आपको पेशेंस रखकर सबसे पहले ये बातें समझनी पड़ेगी, सारी ट्रांजेक्शन समझनी पड़ेगी, और जैसे ही आप सारी ट्रांजेक्शन समझ लोगे तो क्वेश्चन नंबर 62 ऑटोमेटिक आप खुद ही बना लोगे, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो पहले ट्रांजेक्शन समझते हैं, क्या क्या है एक्चुअल में, क्या चीज है क्वेश्चन नंबर 62, नोस्ट्रो अकाउंट क्या है। ठीक है बेटे, यहां फोकस करना। सपोज क्या लिखा है इस पर नहीं जाओगे, यह इंडिया और यह है यूएस, ये एक पर्सन है राम। अब राम ने क्या किया है, राम ने इंपोर्ट किया है यूएस से, इंपोर्ट किया है तो यूएस वाली पार्टी को हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा। राम इंडिया का रहने वाला है, राम को ऐसा लग रहा है यार मुझको तो डॉलर चाहिए, तो अब डॉलर खरीदने कहां जाए, तो राम डॉलर खरीदने बैंक जाता है और बैंक को बोलता है बैंक ये रुपया लीजिए, और ये एक सामने वाली पार्टी है जिसका नाम है मिस्टर ए और मिस्टर ए यूएस का, और उसको मुझे डॉलर में पेमेंट करना है। तो बैंक कहते हैं ठीक है राम, आप हमको रुपया तो बदले में हम आपको डॉलर दे देते हैं। बोले मुझको नहीं चाहिए भाई डॉलर, बैंक आप एक काम करो मिस्टर ए को पेमेंट करवाइए, आप मिस्टर ए के अकाउंट में ट्रांसफर करवाइए। अब दिक्कत की बात, डॉलर फिजिकल राम को नहीं मिल रहा है, लगता जरूर है कि हम राम को डॉलर दे देंगे, मैं बैंक हूं, मैं बैंक राम को डॉलर दे दूंगी और राम डॉलर उधर जाकर, ऐसे होता ही नहीं है बेटे। राम हमको रुपया तो दे देगा पर हमको डॉलर ट्रांसफर करना पड़ेगा मिस्टर ए के अकाउंट में। इस सिचुएशन में होता क्या है, जो इंडिया की बैंक है ना, इंडिया की बैंक, वो यूएस की किसी बैंक में, इंडिया की बैंक मान लो HDFC, वो यूएस के किसी बैंक में, यूएस की कोई बैंक होगी मान लो ABC बैंक, इसमें अपना एक अकाउंट ओपन करवा लेते, अकाउंट अकाउंट नॉर्मल अकाउंट जैसा हमारा होता, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, तो यूएस में अकाउंट ओपन करवा लिया। किसने अकाउंट ओपन करवाया, इंडिया की बैंक ने, HDFC ने, यूएस की बैंक में, और वहां डॉलर खरीद के जमा कर दिया। मतलब ABC बैंक यूएस की है, वहां अकाउंट है, किसका अकाउंट है, HDFC का, और कौन सी करेंसी में अकाउंट मेंटेन हो रहा, पक्का यूएस में, तो डॉलर में ही मेंटेन होगा। इन्होंने डॉलर खरीद के यहां जमा कर दिया, किसने जमा कर दिया है बेटे, राम वाम की बात छोड़ो, HDFC ने। ठीक है सर, कितना डॉलर, मन से बोल रहा हूं कि 1 लाख डॉलर। तो 1 लाख डॉलर किसके अकाउंट में जमा है, ABC बैंक में। ठीक है, किसका अकाउंट है, HDFC का। उस अकाउंट का नाम होता है नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब HDFC बैंक का अकाउंट कहां पर है, यूएस में। ठीक, कौन सी करेंसी में, डॉलर, तो इसका नाम है नोस्ट्रो अकाउंट। और नोस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस यहां लिख देता हूं, बैलेंस, बैलेंस, और कितना क्रेडिट बैलेंस है, नो डाउट आपका जमा है, 1 लाख डॉलर जमा है, होता ना, अब बैंक में पैसा जमा करते तो बैंक वाला हमको क्रेडिट कर देगा, इसी तरह से वो बैंक ये मेंटेन कर रहा है, HDFC बैंक में आपका पैसा जमा, और आपने डॉलर खरीदा है तो आपको बताना पड़ेगा एक्सचेंज पोजीशन भी, कि आपने खरीदा है कि बेचा है। एक्सचेंज पोजीशन लॉन्ग और शॉर्ट होता है, तो सर हमने खरीदा है, हमने डॉलर खरीद के जमा कर दिया, परचेस्ड, कितना डॉलर खरीदा है, 1 लाख डॉलर खरीदा है। ठीक, जब जब भी खरीदोगे बेचोगे आपको 2 जगह देखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आपने खरीदा है कि बेचा है, प्लस आपके अकाउंट में कितना आया है, दोनों चीजें बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने जाके वहां अकाउंट में जमा कर दिया। हम बोल रहा हूं तो मैं बैंक की बात कर रहा हूं, ठीक है, HDFC। अब कस्टमर आया, यहां से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रही, कस्टमर आया, राम बोलता सुनो मुझे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर
टेलेक्स ट्रांसफर बोलते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। बोले मुझे ट्रांसफर करवाना है। मैंने कहा क्या ट्रांसफर करवाना है? बोले मैंने इंपोर्ट किया जी, तो मुझे डॉलर का पेमेंट करना इस पार्टी को। मैंने कहा ठीक है हम करवा देंगे। बोले ठीक है आप हमसे रुपया ले लीजिए। हमने कहा ठीक है आप रुपया दे दो और हम एबीसी वाले को बोलेंगे कि आप मिस्टर ए को पेमेंट कर दीजिए। समझना ठीक से, हमने यहां से रुपया ले लिया और फोन लगाया इस बैंक को, क्योंकि वहां हमारा तो ऑलरेडी डॉलर जमा है। हमारा कितना डॉलर जमा है? हमारा तो $1,00,000 जमा है, जमा $1,00,000। हमने एबीसी बैंक को फोन किया कि आप मिस्टर ए को पेमेंट कर दीजिए। इट मींस आपने रेमिट का मतलब पहुंचाना, आपने डॉलर दिया, टेलेक्स ट्रांसफर, एक्चुअली आपने ट्रांसफर किया। ठीक है सर, आप इसको स्पॉट सेल ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्चुअल में तो डॉलर, हाँ आप ऐसा भी बोल सकते। अब सोचो बेटे 25,000 मिस्टर ए जाएगा और 25,000 डॉलर निकाल लेगा, 25,000। तो बताओ मेरे पास डॉलर कितना बचेगा? सर हमारे पास तो 75 था, इस बैंक का इस अकाउंट में डॉलर कितना बचेगा? 75,000। अब इसका इफेक्ट जरा देख लेते हैं। सर क्या किया हमने? डॉलर बेचा, एक्चुअल में बेचा, ये हमारे अकाउंट से कम हो गया, हमने डॉलर बेच दिया इस पार्टी को, हमसे इससे रुपया लिया, डॉलर बेचा। तो यहां आ जाएगा रेमिटेंस बाय टीटी, बेचा है तो सोल्ड में लिख देंगे। कितना डॉलर बेचा है बेटे? 25,000। पोजीशन खरीदा था 1,00,000, बेच दिया 25। क्या नॉस्ट्रो अकाउंट में भी चेंज होगा? हाँ भाई, हमारा $1,00,000 जमा था, ये एक्चुअल में कैश पोजीशन है। तो बताओ हमने क्या किया? हमने रेमिटेंस किया, रेमिटेंस बाय टीटी $25,000। यहां तक बात खत्म। मतलब बोलो कोई भी एक ट्रांजेक्शन होगी तो आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेगी। पहला पोजीशन क्या था, पहले खरीदा था फिर बेचा, ये खरीदा बेचा ये बताना पड़ेगा। प्लस आपके अकाउंट में प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, ये अभी दिख रहा है आपको कि $75,000 बचा हुआ है। ठीक है, ये शब्द याद रखना, रेमिटेड बाय टीटी। रेमिटेड का मतलब डॉलर भेजना, ट्रांसफर करना। ठीक है, ओके सर। दूसरी ट्रांजेक्शन ध्यान से समझना, फिर से राम और ये पार्टी है, कौन है? मिस्टर ए। फिर हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया तो हमको डॉलर पहुंचाना पड़ेगा। कितना डॉलर? 7,000। अब हम गए बैंक के पास, हमने कहा सुनो बैंक हमको ना $7,000 चाहिए। तो बैंक कह रहा है ठीक है आप हमको दे देना रुपया और हम, हमारे अकाउंट में ऑलरेडी कितना है? हमारे अकाउंट में 75,000, तो हम इसको अभी फोन लगा देंगे, ये मिस्टर ए को दे देंगे 7,000। बोले नहीं बैंक ऐसी बात नहीं है, डॉलर हमें अभी नहीं चाहिए, डॉलर चाहिए 3 महीने बाद। तो बैंक, इंडिया वाली बैंक बोलती भैया 3 महीने बाद आना ना। बोले नहीं 3 महीने बाद नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब की बेटे किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? अब की बार हो रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। राम क्या कह रहा है? राम कह रहा है कि 3 महीने बाद मैं आपको रुपया दूंगा और आप डॉलर बेच देना मिस्टर ए को। ओके, तो मैंने सोल्ड कर रहा हूं फॉरवर्ड पर ट्रांसफर हो रहा है, इट मींस मैं इसको नहीं दे रहा हूं डॉलर, इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं। अब बताओ, सोच के बताना, 3 महीने बाद होना है जो कुछ होना, कॉन्ट्रैक्ट भर अभी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बैंक ने किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया? डॉलर बेचने का। सर पोजीशन में फर्क पड़ेगा कि यस पोजीशन में तो यहां क्या आएगा? सोल्ड फॉरवर्ड टीटी। सर किस चीज, क्या किया है आपने? बेटे मैंने डॉलर 7,000, मैंने पोजीशन चेंज हो गया और कौन सा पोजीशन हो गया? शॉर्ट पोजीशन। भाई भले ही आपको 3 माह बाद बेचना है पर आप शॉर्ट पोजीशन तो ले चुके हो ना, आपने खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर ही लिया है। ठीक है, ये इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि यार हमने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया ना 3 महीने बाद, तो उसको कवर करने के लिए हम कुछ करेंगे, तो हमें वो पोजीशन पता करना है। ठीक है कि आपका शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन है कि शॉर्ट पोजीशन। सवाल बस एक ही है, हमारे यहां जो $75,000 है ना नॉस्ट्रो अकाउंट में, इस पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आज नहीं 3 महीने बाद पड़ेगा, पर आज कोई फर्क पड़ेगा? सर आज नहीं पड़ेगा, हमें तो बेचना है 3 महीने बाद, तो आज इस अकाउंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
कब पड़ेगा? 3 महीने बाद। तो सिंपल सी बात ये हुई कि हमें इस अकाउंट में मेरा कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। फॉरवर्ड अगर कर, फॉरवर्ड सोल्ड कर, फॉरवर्ड परचेज कर, तो इस अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क फर्क कब पड़ेगा, पैसा कब कम कम होगा? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद जब कम होगा तब हम काम कर लेंगे। ओके सर, ठीक है, बात समझ में आ रही। यहां तक किया, एक्चुअल में क्या हो रहा था मैंने सारी बातें समझा दी। यहां का है, अभी भी हमारा डॉलर कितना बचा है? अभी भी हमारा डॉलर तो 75,000 ही बचा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है जरा देखो अच्छे से। ट्रांजेक्शन लिखा है स्पॉट परचेस टीटी। सर ये क्या चीज है समझना बेटा। फिर से क्या हुआ, फिर से इसका नाम लिख देते हैं मिस्टर ए, और इसका नाम क्या था? राम। राम ने एक्सपोर्ट किया है, बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट किया है। तो राम के पास आने वाला है डॉलर। सर तो राम के पास एक्चुअल में डॉलर, बेटे राम के पास डॉलर नहीं आएगा, ये मिस्टर ए इस अकाउंट में डॉलर जमा कर देगा आज ही, और यहां से राम क्या कर ले लेगा, रुपया ले लेगा। सिंपल सी बात है, राम कहेगा कि सुनो मिस्टर है, आप उधर जमा करो, हमारे यहाँ की कोई बैंक है ना उसका अकाउंट है, आप उस अकाउंट में जमा कर लीजिए और हम यहां से निकाल लेंगे। बात ठीक है। सर बैंक ने एक्चुअल में क्या किया, इंडिया वाली बैंक ने, इंडिया वाली बैंक ने एक्चुअल में डॉलर परचेस किया, और परचेस किया तो सोच के बताओ कितना डॉलर परचेस किया, डॉलर 10,000 परचेस किया। परचेस किया तो पोजीशन में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। स्पॉट परचेस टीटी कितना परचेस किया, डॉलर 10,000। नॉस्ट्रो अकाउंट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा ना भाई, इसने इधर जमा किया तो डॉलर तो बढ़ गए, आपके पास डॉलर कितना हो गया, डॉलर हो गया 85,000। हाँ तो स्पॉट का तो फर्क पड़ना है, स्पॉट परचेस टीटी कितना आ गया, परचेस किया तो क्रेडिट आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, कितना डॉलर 10,000। ठीक है सर, ये भी बात हम लोगों को समझ में आ गई कि हाँ जब हम पहुंचाते हैं तो माइनस करते, जब आता है तो प्लस करते डॉलर। आगे चलो बेटे, अगली ट्रांजेक्शन यहां जाओ। सर यहां क्या हुआ ये बताइए, फॉरवर्ड परचेस टीटी। सर ये क्या है, फिर से समझा रहा हूं, हमने किया था एक्सपोर्ट तो डॉलर आने वाला था, और कितना डॉलर आने वाला है, 5,000। हम बैंक से बोल रहे, बैंक बैंक हमारे पास डॉलर आने वाला है, तो बैंक कहता ठीक है डॉलर मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिए, मैं आपको रुपया दे दूंगा। बोले डॉलर अभी नहीं, डॉलर 2 माह बाद आने वाला है। बैंक कहता तो बोले आप एक काम करो, 2 माह बाद हमें क्या दे देना, रुपया, और हमसे क्या ले लेना, हमसे मत लेना मिस्टर ए से ले लेना डॉलर। मैंने कहा ठीक है, कितना डॉलर ले लेंगे, डॉलर 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 5,000। अच्छा तो सर बैंक जो इंडियन बैंक है ना, वो इनडायरेक्टली किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, सोचो बेटे, रुपया देंगे डॉलर खरीदेंगे, तो डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डॉलर खरीदने का, तो यहां ऐसे लिख दूं पोजीशन में, तो फिर परचेस फॉरवर्ड टीटी खरीदोगे तो बाय कितना डॉलर, 5,000। सवाल बस एक ही है, अकाउंट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हमारा इस अकाउंट में कितना डॉलर था, 85,000। सर हम कब करेंगे ये ट्रांजेक्शन, 2 महीने बाद। आज फर्क पड़ेगा कि नहीं, सर आज थोड़ी नहीं पड़, 2 माह बाद फर्क पड़ेगा बेटे, तो आज तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो आज नॉस्ट्रो अकाउंट में कुछ नहीं होगा। सवाल बस इतना है कि कैश पोजीशन इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। कभी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फॉरवर्ड बाय कर रहे, फॉरवर्ड सेल कर रहे, कैश पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन आपका चेंज होते रहेगा, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, अब क्या कर रहे हो बस ये आपको यहां लिखना पड़ेगा। एक्सचेंज पोजीशन में फर्क, चाहे आप आज खरीद रहे हो चाहे फ्यूचर में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहां तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके सर, आगे क्या है, चलो आगे चले। हाँ जी, यहां जाओ, अब सुनो भैया। सर ये कौन है बेटे, एक स्टूडेंट। ठीक है सर, ये एक स्टूडेंट है। क्या प्रॉब्लम है बेटे, ये ना यूएस में जाके कोई कोर्स करना चाहता, एमबीए करना चाहता, एमबीए। ठीक है सर, तो एमबीए करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एमबीए करना है यूएस से तो फॉर्म भरना पड़ेगा, एडमिशन फीस, और यूएस में एडमिशन फीस किस में, डॉलर में।
ठीक है सर, तो डॉलर के लिए ना डीडी बनाना पड़ेगा। तो ये एक स्टूडेंट है और डीडी बनाने गया है स्टूडेंट, और इंडिया की बैंक में गया और इंडिया की बैंक से बोला सुनो बैंक एक 2000 का डीडी बना दो। बोले ठीक है डीडी बना देंगे। तो बदले में इसको क्या देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा रुपया। और ये बैंक क्या इश्यू करेगी, ये इश्यू करेगी डीडी कितने रुपए की, 2000 के। और ये डीडी जैसी इश्यू करेगी, ये डीडी कहां पहुंचेगी, ये जो भी इंस्टीट्यूट होगा कॉलेज, एमबीए कॉलेज, फिर एमबीए कॉलेज वाला, अभी हमारे अकाउंट में कितना डॉलर है, 85,000, फिर एमबीए कॉलेज वाला ये फ्यूचर में यहां लगाएगा और फिर यहां से इसको डॉलर मिलेगा। ठीक है, सवाल बस इतना है, अभी जब डीडी इश्यू कर रहा है तब क्या हमारे अकाउंट से बैलेंस कम हुआ, नहीं। कब कम होगा, जब ये कॉलेज वाला डीडी यहां जमा करेगा और बदले में, लेकिन जैसे डीडी इश्यू किया थोड़ी तब बैलेंस कम नहीं होगा। ठीक है सर, तो बैंक एक्चुअल में कर क्या रहा है, बैंक एक्चुअल में सोचो रुपया आया और डॉलर बेचा, तो बैंक डॉलर बेचने का काम कर रहा है, डीडी इश्यू कर रहा मतलब डॉलर बेच रहा। ठीक है, तो इश्यू डीडी, इश्यू ड्राफ्ट, ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट इश्यू कर रहा मतलब डॉलर बेच रहा है, और डॉलर बेच रहा है मतलब आपका पोजीशन कौन सा हो जाएगा, सोल्ड, कितना डॉलर गया, 2000। सर इसमें पोजीशन में चेंज होगी, नहीं होगा, कब होगा, जब ये डीडी यहां जमा करेगा तब फर्क पड़ेगा, तब की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई है, आगे चलते हैं। परचेज्ड बिल, सर बिल परचेज किया ये भी समझाइए, तो आखिरी काम बचा है। यस, ये कौन है, इंडिया, ये कौन है, यूएस, ये कौन था, मिस्टर ए, ये कौन था, राम। अब राम ने क्या किया, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किया तो सामने वाली पार्टी से कहा कि चलो यार हमको डॉलर तो दे दो, या हमारे बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ऑलरेडी इंडिया वाली बैंक का यहाँ बैलेंस कितना जमा है, 85,000 डॉलर। बोले यार यहाँ जमा कर दो हमसे, तो ये बोलता नहीं हम वो काम नहीं कर रहे, एक काम करो आप हमसे, हम आपको बिल्स दे देते हैं, सुनना बेटे बिल्स, मुझे इससे मिल रहा है बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा ना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, वही वाला बिल्स समझ लो। सर बिल्स कितने का, तो यहाँ फिगर कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा, बिल्स ले लीजिए 2000 रुपए का बिल्स, 2000 नहीं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ फिगर, बिल्स ले लेते 8000 रुपए का बिल। हमने कहा सुनो मिस्टर ए, आप हमें अभी एक बिल इश्यू कर दीजिए। ठीक है सर, ड्यू डेट कब है बिल्स की, बिल्स की है 3 महीने बाद, तो हमने कहा 3 महीने बाद आप यहां बिल दे देना, जो भी हो आप पेमेंट दे देना और बिल ले जा लेना आपका, आपके लिए बिल्स पेबल है और मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है। और मैंने इस बिल्स को यहां जमा किया, बिल आया और मैंने यहां जमा कर दिया। ठीक है, ये बिल यहां आ गया और बैंक ने बदले में मुझे रुपया दे दिया। सर तो इस बैंक को क्या फायदा, इस बैंक को ये वाली पार्टी इस बैंक के अकाउंट में 3 महीने बाद पैसे जमा कर देंगी डॉलर। मैंने बिल परचेस किया, बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझता, मैंने बिल परचेस किया मतलब, और इस पार्टी ने बिल्स डिस्काउंटिंग करवाया और मैंने इसको रुपया दे दिया और मेरे अकाउंट में 3 माह बाद मिस्टर एज पैसे जमा कर देगा। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, अगर मैंने बिल परचेस किया मतलब मैंने डॉलर ही तो परचेस किया, रुपया दिया डॉलर परचेस किया, मेरे अकाउंट में आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा परचेस्ड बिल। सर कितने रुपए का बिल परचेस किया आपने, $8,000। सोच के बताना कैश पोजीशन में चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पक्का होगा, लेकिन 3 महीने बाद जब ये मेरे अकाउंट में पैसे जमा करेगा तब कैश पोजीशन में नोस्ट्रो अकाउंट में फर्क पड़ेगा। अभी तक जितनी भी ट्रांजेक्शन है क्या क्या समझा, सर ये समझा कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है यहां भी फर्क पड़ता है, यहां भी फर्क पड़ता है, ओके। लेकिन अगर फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बाय जो ट्रांजेक्शन, जो कैश फ्यूचर में आने वाला है या जाने वाला है, उसका यहां तो फर्क पड़ेगा पर नोस्ट्रो अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है सुनना ध्यान से, सर जैसे ये था पॉइंट नंबर 2, यहां हुआ क्या था, हमने इंपोर्ट किया था तो हमको डॉलर देना था, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि हम डॉलर खरीदेंगे, तो आपने लिखा था यहां खरीदेंगे, यहां डॉलर्स बैंक क्या कर रहा था, बेच रहा था, तो उसने क्या किया, सोल्ड फॉरवर्ड, बोले 7000 रुपए का बैंक ने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया,
ठीक है सर, मान लो ये कस्टमर आता है और कहता है ये नहीं नहीं ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दूसरे दिन पहुंचा, बोले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आप इसको ऐसा काट दोगे? बेटे काटूंगा नहीं, सिंपल सी बात, या फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो अगर परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो इसको हम काटेंगे नहीं, और इधर तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अपोजिट साइड लिख देंगे। अगर परचेस यहां लिखे और परचेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है तो अपोजिट में लिख देंगे। ठीक है, अगर सेल्स है और सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है तो ये मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूं, परचेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, परचेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तो जो 7000 यहां था ये 10000 है ना परचेस, तो 10000 अपोजिट साइड लिख दिया तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। ठीक है सर, इस पर तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। सर जैसे ये हो गया स्टूडेंट, डीडी बनाया था, उसको लग रहा था कि मुझे एमबीए करना है, दूसरे दिन पहुंचा और डीडी कैंसिल कर रहा है। तो बेटे सोचो, जब डीडी बनाया था, जब आपने डीडी इश्यू किया था, जब इश्यू किया था तो हमने डॉलर सेल किया था, अब जब डीडी कैंसिल कर रहे हो, ड्राफ्ट कैंसिल कर रहे हो, तो अपोजिट साइड आ जाएगा, तो फिर हम माइनस कर देंगे, ड्राफ्ट कैंसल्ड। ड्राफ्ट बनाया था तो हमने डॉलर बेचा था, सामने वाले ने ड्राफ्ट कैंसिल कर दिया तो डॉलर 2000 कैंसिल हो जाएगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां तक ठीक है, अब इसके बाद और क्या होता, बस आखिरी बात बची हुई है, टेंशन खत्म हो जाएगा हमारा। अब आखिरी बात क्या करते हैं, हम इन सब चीजों को जोड़ लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। दो पोजीशन है, एक एक्सचेंज पोजीशन और एक है कैश पोजीशन। तो अब दोनों को जोड़ते, उसमें मैं एक स्पेशल चीज आपको समझाने जा रहा हूं। अब जोड़ते हैं तो इधर का टोटल कर लेते हैं और इधर का टोटल कर लेते हैं, ऐसे इसका भी टोटल कर लेते हैं और इसका भी टोटल कर लेते हैं। 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, तो ये आ गया डॉलर 1,25,000। 25,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000, तो ये आ गया डॉलर 44,000। तो जो एक्सचेंज पोजीशन है, एक्सचेंज पोजीशन सर, खरीदा है टोटल 1,25,000 और बेचा है 44,000, नेट कर सकते हैं कि 1,25,000 बाय है और 44 सेल है, तो नेट है 81,000 डॉलर। और यह है ओवरबॉट पोजीशन, बोलते हैं इसको ओवरबॉट पोजीशन, ऐसे डेबिट क्रेडिट डेबिट दिख रहा है आपका, कैश पोजीशन 25,000 और यहां कितना दिख रहा है 1,10,000। तो नेट नोस्ट्रो अकाउंट का क्या है आपका, नोस्ट्रो अकाउंट 1,10,000 माइनस 25,000, तो नोस्ट्रो अकाउंट में डॉलर 85,000 कौन सा बैलेंस दिख रहा है आपको, क्रेडिट। ठीक है, अब हमें क्या पूछता है, बस ये बात अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हमें पूछता क्या है, सुनो के ध्यान से, हमें पहले तो बोलेगा कि नोस्ट्रो अकाउंट में 85,000 है ना, तो बोले हमको 85,000 नहीं करना है, हमको टोटल मिलाकर 1,00,000 क्रेडिट में रहना चाहिए। मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है, बोले आपके कैश पोजीशन में 85,000 नहीं 1,00,000 होना चाहिए। मैंने कहा अब 1,00,000 के लिए क्या करें, उसको बोले 1,00,000 मेंटेन करना है, मेंटेन करना तो भैया डॉलर खरीद लो और डॉलर खरीद के जमा कर दो, तो हम करेंगे परचेस स्पॉट, और कितना डॉलर खरीदोगे 15,000 और खरीद के जमा कर दिए, तो डॉलर कितना जमा हो गया आपका 1,00,000 क्रेडिट, क्योंकि उसने बोला था कि आपको 1,00,000 मेंटेन करना, तो 15,000 डॉलर और खरीद लिए। अगर 15,000 इधर खरीद लिए तो उसकी वजह से क्या मेरा ये वाला पोजीशन में भी चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज पोजीशन? यस। तो एक्सचेंज पोजीशन में कितना हो गया बेटे, 81,000 तो पहले से था, 15,000 और आ गया, तो 81,000 ओवरबॉट था और 15,000 और बॉट हो गया, तो टोटल डॉलर कितना आ गया 96,000, टोटल आ गया 96।
ठीक है सर, इसका मतलब सर वो बोलेगा कि यार मेंटेन करना है, इसको बढ़ाना है, हमको 1 लाख दिखाना है तो हम और खरीद लेंगे स्पॉट में, बिल्कुल। तो इसका फर्क यहां भी पड़ेगा। लेकिन दूसरी समस्या वो बोलेगा कि जो एक्सचेंज पोजीशन है ना, ये हमको मेंटेन करना ओवरबॉट, पर 96 मेंटेन नहीं करना है, हमको 1 लाख मेंटेन करना। अब क्या करोगे सर? तो 1 लाख मेंटेन कर और 4,000 बेच देते बेटे, 4,000 और बेचोगे तो इधर भी 4,000 बढ़ जाएगा। आखिर ऐसा क्या करे? इसमें तो बढ़े पर इसमें ना बढ़े। सर हमने अभी सीखा कि एक्सचेंज पोजीशन में अगर फॉरवर्ड आता है तो इसमें नहीं आता, कैश पोजीशन में, बिल्कुल। तो हम 4,000 और करेंगे, लेकिन कौन सा बाई करेंगे? फॉरवर्ड बाय। कितना डॉलर खरीद लेंगे? 4,000। 4,000 किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे दूसरी बैंक से कि भैया हम 4,000 डॉलर खरीदेंगे। तो अब आपका टोटल एक्सचेंज पोजीशन कितना आ गया? डॉलर 1 लाख ओवरबॉट आ गया, ठीक है। तो ये मेंटेन करने के लिए बोलता पोजीशन, क्वेश्चन नंबर 62 अभी इसके बाद डिस्कस कर रहा हूं, उसमें और ये डिटेल में समझा लूंगा आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 62, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 62 जिसकी बात हो रही थी अब वो डिस्कस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 यहां लिखा है, यू एज अ डीलर, डीलर मतलब हो गया आप बैंक हो, इन अ फॉरेन एक्सचेंज द फॉलोइंग पोजीशन इन स्विस बैंक। नो डाउट स्विट्जरलैंड की बात हो रही होगी, स्विट्जरलैंड में आपका अकाउंट है तो वहां का जो CHF चलता है या SF जो भी बोल सकते हो, तो जो भी चल रहा है उसका लेन देन हो रहा है, यहाँ डॉलर है या SF की बात हो रही है। तो स्विट्जरलैंड में आपका अकाउंट है और उस अकाउंट का नाम होगा नोस्ट्रो अकाउंट। बैलेंस इन नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख। आपको दो पोजीशन बनाना होता है, कैश पोजीशन और नोस्ट्रो अकाउंट। तो नोस्ट्रो अकाउंट मतलब कैश पोजीशन में आपके पास, आपके नोस्ट्रो अकाउंट में बैलेंस कितना है? 1 लाख। दिस इज नोस्ट्रो अकाउंट, कैश पोजीशन मतलब नोस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो। तो यहां बैलेंस लिख दिया और बैलेंस है SF, SF लिख सकता हूं मैं, SF कितना है? 1 लाख, ठीक है। ओपनिंग पोजिशन ओवरबॉट, मतलब ये बात ओपनिंग पोजिशन ओवरबॉट लिखा है ना, मतलब वो एक्सचेंज पोजिशन की बात कर रहा होगा, अलग अलग हो सकता है। तो यहां भी ओपनिंग बैलेंस ओवरबॉट है, मतलब बाय में आ जाएगा SF 50,000। यहां तक हो गया। उसके बाद लिखा परचेस बिल, बिल परचेस किया। बिल परचेस का मतलब मैंने समझाया था कि सामने वाली पार्टी मुझे बिल देगी और उसको मैं अभी डिस्काउंटिंग करवा लूंगा, पर सामने वाली पार्टी मैं बिल परचेस कर रहा हूं, मतलब बिल आ रहा है, बिल दे रहा हूं और बदले में मुझे रुपया मिल रहा है। बिल आया होगा SF में, तो वो बिल बैंक के उस नोस्ट्रो अकाउंट में कब जमा होगा ये बात मैं कर चुका हूं, आप चाहो तो रिवाइज कर लेना। उस बाद में जमा होगा जब वो बिल का पेमेंट करेगा मैच्योरिटी में। इट मीन्स कैश पोजिशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल परचेस कर रहा हूं, बिल परचेस की बात आप रिवाइज कर सकते हो। बिल परचेस मतलब यहां फर्क पड़ेगा, एक्शन परचेस बिल मतलब आपने SF परचेस किया। कितना परचेस किया? SF 80,000। एक्सचेंज पोजीशन में चेंज हो जाएगा। सोल्ड फॉरवर्ड टिटी, सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने SF बेचा, सोल्ड का मतलब बेचा तो सोल्ड। यहां कैश पोजीशन में फिर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो बेचा है आपने डॉलर, तो वो जो बेचा है आपने डॉलर बेचा है, तो उसका ट्रांजेक्शन कब होगा? उसका ट्रांजेक्शन तो फ्यूचर में होगा, तो सिर्फ यही पड़ेगा सोल्ड फॉरवर्ड। सर कितना बेचा है? SF 60,000। एक्सचेंज पोजीशन में फर्क पड़ेगा। कभी फॉरवर्ड परचेस का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? परचेस का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा फॉरवर्ड, तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, पर यहां फॉरवर्ड परचेस कभी किया होगा वो अभी जाके कैंसिल हो गया। तो बेटे जब खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते तो बाय में लिखते, जब कैंसिल कर रहे थे तो उसको अपोजिट में लिखेंगे। तो फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड, SF 30,000।
रेमिटेड बाइट, दिस इज इम्पोर्टेंट, इस मैटर पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। रेमिटेड मतलब हमको ऐसे बेचना कि भाई आया मेरे पास, उन्होंने कहा यार मेरी सामने वाली पार्टी से मैंने इंपोर्ट किया तो उसको एसएफ चाहिए, मैंने कहा मैं अपने अकाउंट से दिलवा दूंगा। तो सर इसका मतलब है आप एसएफ बेच रहे हो, यस, और अभी बेच रहे हो। रेमिटेड बाय टीटी मतलब बेच रहे हो, ये पहले ट्रांजेक्शन हमारे एग्जाम्पल के। दोनों जगह फर्क पड़ेगा, एक तो यहां भी रेमिटेड बाय टीटी मतलब स्पॉट सेल, सेल मतलब एसएफ 75,000, यहां फर्क पड़ेगा, और रेमिटेड बाय टीटी बेच रहे हो तो यार आपके अकाउंट से तो एसएफ कम हो जाएगा 75,000। ड्राफ्ट जो है वो कैंसिल हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, ड्राफ्ट कैंसिल हो गया। तो याद करो वो स्टूडेंट जो एमबीए करने वाला था, जब उसने एमबीए के लिए डीडी हमने इश्यू किया था, इसका मतलब हमने एसएफ बेचा था, अब कैंसिल हो गया, बेचा तो इधर और कैंसिल हुआ तो इधर, तो ड्राफ्ट कैंसिल। इस ट्रांजेक्शन पे भी मैं बात कर चुका हूं, ड्राफ्ट कैंसिल्ड, तो आपके अकाउंट से ड्राफ्ट कैंसिल हुआ, बेचा तो उधर, तो कैंसिल हुआ तो इधर जाएगा, ऐसे 30,000। सर यहां कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, दैट्स इट। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन, पोजिशन क्या है। इधर का जोड़ा और इधर का भी जोड़ा, तो 50,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, तो इधर का आ गया 1,60,000, और इधर का है 60,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000, इधर का 1,65,000। तो बोलो बेटे खरीदा ज्यादा है कि बेचा ज्यादा? खरीदा 61, बेचा मतलब ओवरसोल्ड पोजीशन है अभी, ओवर सोल्ड एसएफ 5,000 अभी की सिचुएशन। इसका टोटल मारते तो एसएफ कितना दिख रहा है 75,000, इधर एसएफ कितना दिख रहा है 1,00,000। तो पक्का क्रेडिट में ज्यादा है, तो आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एसएफ कितने का है बेटे 25,000 का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉब्लम होती ये है कि इनको मेंटेन की बात लिखी होती है, बस इस बात को समझना है, यहां ये इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा बताइए आप क्या स्टेप्स लोगे अगर आपको मेंटेन करना है। हमको मेंटेन क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ठीक है, क्रेडिट बैलेंस नोस्ट्रो अकाउंट में कितना होना चाहिए 30,000, ये है आपका क्रेडिट बैलेंस। अभी कितना है 25, इसको 30 करना है तो क्या करोगे? सर हम एसएफ और खरीदेंगे और स्पॉट पे खरीदेंगे, तभी तो आपका बैलेंस बढ़ेगा। तो हम इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्पॉट बाय करना पड़ेगा, कितना एसएफ 5,000। तो अब मेरा मेंटेन हो गया एसएफ 30,000, स्पॉट बाय कर लिया मैंने, अभी खरीद लिया, तो मेरा बैलेंस पहले 25,000 था ना मेरे अकाउंट में, 5,000 और खरीद के वहां जमा कर दिया स्पॉट बाय। पर स्पॉट बाय करता हूं तो मेरा पोजीशन पे भी तो फर्क पड़ गया, और मेरा ओवरसोल्ड पोजीशन था, मैंने स्पॉट बाय किया, स्पॉट बाय किया कितना एसएफ 5,000, तो मेरा बैलेंस तो जीरो हो गया यार, बैलेंस जीरो हो गया। कहीं इसके लिए कुछ ना बोलते कि कुछ मेंटेन करना, और इसके लिए भी बोला है कि आपको ओवरबॉट पोजीशन मेंटेन करना 10,000। अब बस ये इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, आखिर यहां क्या करूं, यहां तो जीरो है, कि मेरा ओवरबॉट पोजीशन आ जाए 10,000। तो सर और खरीदो बेटे, मैं खरीदूंगा तो यहां भी फर्क पड़ेगा, लेकिन सर अगर आप फॉरवर्ड बाय करते हो, फॉरवर्ड बाय, तो यहां थोड़ी फर्क पड़ेगा। यस, इसका मतलब मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, कोई दूसरी बैंक बैंक से, कि हां जी मैं खरीदूंगा डॉलर, तो ये पोजीशन मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाय एसएफ 10,000, दैट्स इट। और भी डिटेल में समझ सकते, पर उसके लिए क्लासेस रिक्वायर्ड। अभी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, थैंक यू।